हेलो रिवन, आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और उसके साथ ही उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी जानेंगे। तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल कर निम्न में से क्या नाम रखा है? तो नाम बदल कर रखा है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा इसका नाम बदल कर रखा गया है, रेलवे सुरक्षा बल का। ठीक है, मंत्रालय ने RPF को संगठित ग्रुप ए का दर्जा दिया है और इसका नाम बदल दिया है RPF। ठीक है, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय महिला हॉकी टीम के किस खिलाड़ी ने हाल ही में घुटने की चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुनीता लाकड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है सुनीता लाकड़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम की डिफेंडर सुनीता लाकड़ा साल 2018 के एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थी। ठीक है, और उन्होंने भारत के लिए 139 मैच खेले हैं, भारत के लिए 139 मैच खेले हैं और वे साल 2014 में एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता टीम की भी हिस्सा रही है। ठीक है, भारत के लिए टोटल 139 मैच खेली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को हाल ही में कितने वर्ष का कार्य विस्तार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 1 वर्ष। विनोद कुमार यादव ने 1 जनवरी 2019 को ही रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, 1 साल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत और पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यह आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु ठिकानों पर हमले के विरुद्ध समझौते के तहत किया गया था। ठीक है, और पाकिस्तान का कैपिटल क्या हो गया? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाएं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, वो हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो वो नंबर है 139। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अब सभी तरह की सुविधाएं पूछताछ और शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 यानी कि 139 ही काम करेगा। इसके चलते अब यात्रियों को अलग अलग नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर है 139। ठीक है, और ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है, टोटल 12 भाषाओं में ये नंबर उपलब्ध है, इस पर जो बात होगी वो 12 भाषाओं में होगी। ठीक है, नंबर है 139। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? दामिनी हेल्पलाइन का नाम है दामिनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य ने। और उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं। दामिनी हेल्पलाइन नंबर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, और इसमें महिलाएं नॉर्मल कॉल के जरिए शिकायत दर्ज करा ही सकती है और उसके साथ ही वीडियो कॉल मैसेज वॉइस मैसेज भी कर सकती है, वीडियो कॉल भी मैसेज भी और वॉइस मैसेज भी करके बता सकती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी होगी लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार, इनका नाम है एस सौम्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है एस सौम्या। ठीक है, और यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, मद्रास संगीत अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, प्रदान किया जाता है, कौन सा पुरस्कार है? संगीत कला निधि पुरस्कार, और इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है संगीत कला निधि पुरस्कार को, जो दिया गया है एस सौम्या को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय अंडर 19 टीम के साथ विश्व कप खेल चुके मनजोत कालरा को उम्र धोखाधड़ी के मामले में रणजी ट्रॉफी खेलने से कितने साल के लिए निलंबित कर दिया गया है? इनका नाम है मनजोत कालरा। ठीक है, तो निलंबित किया गया है 1 साल के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। और BCCI के अनुसार कालरा का उम्र 20 साल 351 दिन था, 351 दिन है। ठीक है, 20 साल 351 दिन बताया जा रहा है BCCI के द्वारा। और वह पिछले सप्ताह दिल्ली अंडर 23 की तरफ से बंगाल के खिलाफ खेले थे जिसमें उन्होंने 80 रन बनाए थे। वे रणजी टीम में शिखर धवन की जगह लेने की कतार में थे लेकिन अब वह नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, 1 साल के लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया है।
बीसीसीआई द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा जारी ओलंपिक क्वालिफायर रैंकिंग सूची में किस स्थान को बरकरार रखा है? तो इनका स्थान है 8वां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 8वां। इनका नाम है मीराबाई चानू, ठीक है, जो कि मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, मीराबाई चानू इनका नाम है, पोजीशन इनका है 8वां, ठीक है। सो था कुछ इंपॉर्टेंट 4 जनवरी का करंट अफेयर, और इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।